सारे यूमर्स फैलाए जा रहे हैं राधे फिल्म के बाद अब टाइगर 3 भी OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। क्या है रिपोर्ट, जानिए इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों मैं पहली बात तो आप लोग को बता दूं कि मेरे पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जहां तक टाइगर 3 को लेकर, जो ये फिल्म OTT पर आएगी। मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में बात करूंगा जो यूमर्स फैलाई जा रही है कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो टाइगर 3 भी अब राधे की तरह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। जब टाइगर 3 की तैयारी अब चल रही है और देश में जिस तरह की कोरोना की कंडीशन है, इस पर जहां तक कई सारे यूमर्स अब फैला रहे हैं। आपको बता दूं कि क्या है रिपोर्ट, मैं आप लोग को पूरी डिटेल्स के साथ बताना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं कि राधे फिल्म को लेकर पहले ही, रिलीज से पहले ही निगेटिविटी फैलाई गई थी और निगेटिविटी के पॉइंट आप लोग को बता दूं, जी हाँ, पूरी 43% देखी गई थी। बिल्कुल 43% देखी गई थी, 43% देखी गई थी, वो भी निगेटिविटी। और राधे फिल्म रिलीज होने के बाद इसकी निगेटिविटी की जो पॉइंट है वो बढ़कर जहां तक पूरे 60% तक चले गए। बिल्कुल 60% तक इसकी निगेटिविटी रिपोर्ट तक चली गई। आपको बता दूं कि इस चीज़ को देखते हुए अब सलमान खान के पीछे बहुत सारे ऐसे ऐसे, जहां तक कह सकते हैं, फेक आईडी बनाकर, फेक जहां तक क्रिएट ऐसे ऐसे अकाउंट करके और बताई जा रहे हैं, और जहां तक काफ़ी सारे यूमर्स फैलाए जा रहे हैं सलमान खान को लेकर झूठी झूठी बातें। और उसमें से एक ये झूठी बात ये है भी है कि टाइगर 3 जहां तक अब OTT पर आएगी। आप लोग को बता दूं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। देश में जिस तरह की कोरोना के कंडीशन है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और आप लोग को बता दूं कि जब सिनेमा घरों के शटर खोलेंगे तभी सलमान खान की नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट आएगी वो सिर्फ सिनेमा घरों में ही रिलीज होगी, OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं। बिल्कुल आप लोग को बता दूं कि सलमान खान की सबसे दमदार मोस्ट एक्शन फिल्म टाइगर 3, जो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर हमेशा ट्रेंड करते रहती है, और जिसके बारे में आप लोग को बता दूं कि ये फिल्म OTT पर नहीं बल्कि डायरेक्ट आप लोग को सिनेमाघरों में ही देखने को मिलने वाली है। इस तरह की ये रिपोर्ट जरूर रहेगी और जिस तरह की यूमर्स फैलाई जा रही है बिल्कुल फेक है, और इस पर आप लोग बिल्कुल फोकस ना ही करें, यही अच्छा है। वेल, मिलते हैं अगले अपडेट में।